अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और नई टिप्स के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो, चाय की छन्नी जो कि हर घर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और देखिए, मेरी तो काफ़ी, मैंने टाइम से इसे क्लीन नहीं किया, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी और येलो से साइड पे बिल्कुल इसकी शाइन उतर गई है, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई है। तो मैंने सोचा इसे क्लीन करने के लिए, तो सोचा आपके साथ इसे शेयर करूं और आपके भी फ़ायदा हो, क्योंकि हर घर की ज़रूरत होती है चाय की छन्नी। इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता है। तो बहुत ही अच्छी ये टिप्स है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर इसे क्लीन करने के लिए इनो का इस्तेमाल किया है। ये एक पैकेट हमने लिया है, अभी हम इसमें फ़िलहाल आधा पैकेट इनो का डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच वाइट विनेगर। जैसे ही हम विनेगर डालते हैं, फ़ौरन से झाग उठने लगता है। आपको तो पता है इनो फॉट से ऊपर की तरफ इसका गैस सा उठता है, तो उसी वक्त हमने फटाफट इसे लगा लेना है अपने चाय की छन्नी पर। तो इससे क्या होता कि बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाता है, और वो इसे फुला देगा, जो इसमें डस्ट बैठ चुकी है उसे ये फुला लेगा। तो इसे हम इस तरह डाल देंगे ताकि 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमें डीप करके रख लें, और इसे इसी तरह हम छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद हमने एक टूथ प्रेस की मदद से इसे इस तरह घस लेंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा है उसे अच्छे से हमने रगड़ लेना है। तो खाली ब्रश करने पर ही ये शाइन करने लगता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक टोप में हमने पानी रख दिया है, खुला पानी रख दिया। अब उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच, जो कोई भी लिक्विड आपके पास डिस लिक्विड हो आप उसे इसमें डाल दें। तो एक चम्मच हमने डाला, और एक चम्मच हमने इसमें सोडा डाला, बेकिंग सोडा, जो कि हम पकौड़े वगैरह में डाल देते हैं, 1 से 1.5 चम्मच। हमने इसमें 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया। तो जिस तरह इसमें झाग उठने लगता है, जैसे ही हम इसमें सोडा डालेंगे इसमें एक झाग सा उठेगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, वरना ये पानी फौरन से गिरने लगता है। तो इसे इस तरह ऊपर नीचे करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर गैस को हमने बंद कर देना है, और इसे इसमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल फूल कर, जो इसमें चाय की पत्ती बिल्कुल अंदर बैठ चुकी थी वो फूल कर ऊपर आ चुकी है, और देखिए आसानी से वो निकल रही है। तो इसी तरह हमें इसे ठंडा नहीं करना है, 3 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और फिर इसे देखिए आप, कितना गंदा हो गया है पानी, आपको नज़र आ रहा है। और इसे हम ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्का हल्का से इसे इस तरह हल्का सा हमने रगड़ के हुए निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से जो ढीठ हमारे, जो गंदगी जम गई थी, वो आसानी से इस पे से निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह इसे हम पटक लेंगे, जो भी बारीक इसमें जो जाली में बैठ जाता है वो निकल आए, और एक जो स्टील का काथा होता है उसकी मदद से हम इसे रगड़ लेंगे, क्योंकि जो किनारों के जो मैल होते हैं ना, तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो उसे निकलने में बहुत दिक्कत होती है। बाकी तो निकल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत YouTube पे हमें ये दिखता है कि गैस पे हम छन्नी को रखते हैं और फौरन डस्ट करते निकल तो जाता है, बट उससे क्या होता है कि हमारी जो जाली होती है, चाय की छन्नी होती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, काली सी हो जाती है, बदरौनक हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो इससे ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर बहुत ही, अभी भी देखिए आप कितना गंदा था। अगर आपका जाल गंदी हो मेरी तरह ज़्यादा, तो इसे एक बार और हमने चूल्हे पे रख देना है, और बस थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और इसे इस तरह थोड़ा सा उबाल आने तक रखेंगे, फिर इसे चूल्हा बंद करके 2 से 3 मिनट इसे छोड़ देंगे, ताकि जो गंदगी हो। इस तरह मैंने एक छोटे से बाउल में डाल दिया ताकि पूरा डीप हो जाए और सारी गंदगी हमारी
इसमें से निकल आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने निकाल लिया है, अब हम जो हमारा आधा पैकेट इनो का बचा था ये हम सारा इसमें डाल देंगे। इसे बहुत ही ज़्यादा चमकदार और शाइन आएगा और बहुत ही अच्छा हमारी चाय की छन्नी बिल्कुल न्यू लुक इसका आ जाएगा। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतनी गंदी हमारी चाय की छन्नी जो कि बिल्कुल फेंकने लायक थी और इतनी चमकती हुई साफ़ सुथरी बिल्कुल नई नई सी हो जाएगी। तो सारी तरफ हमने अच्छे से लगा लिया और स्टील के जो कांटा होता है उसकी मदद से जो साइटों पे बैठ जाती है मैल, उसे अच्छे से घस लेंगे। तो इस तरह हमने इसे साफ़ कर लिया, अब इसे वॉश कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही चमचमाती हुई साफ़ सुथरी बिल्कुल न्यू जैसी हमारी ये जाली बिल्कुल रेडी है। आपने ये तरीका ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही फटाफट से बहुत ही कम मेहनत में ये हमारी जाली आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत ज़्यादा काम आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब सारा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।